हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी ऑलवेज डार्कनेस तो कैसे सब लोग आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट करेक्ट सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जिंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स अगले सात दिन में क्या होने वाला है क्या घटनाएँ घट सकती है मोस्ट पॉसिबिलिटी किस इवेंट का है कौन सा सबसे ज्यादा चांसेस बन जाएगा होने का इससे क्या है ना हम आपके करेंट सिचुएशन को भी देखेंगे और विद इन द नेक्स्ट क्या क्या आ सकता है वो भी हम देखेंगे सो लेट्स लेट्स सी फाइंड आउट सो पहले बात तो है हम आपकी वर्तमान हालत और परिस्थिति इसलिए बताते हैं मैं हमेशा ही उसका जो है सही एक्सप्लेनेशन देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि दिस इज एक्चुअली योर रीडिंग एंड योर आंसर इज विद इन द प्रडिक्शन वी डू हैव द पेज ऑफ स्वर्ड्स ठीक है फोर ऑफ वैंड हमारे पास है यहाँ पे दायरजी डेव द्री ऑफ स्वर्ड्स ठीक है यहाँ पे है टेन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ पेंडेगल्स टोरस वगो एंड कैप्रिकॉन वृषभ कन्या और मकर राशि यहाँ पे है आई होप यू कैन सी दर्ज एडीज लियो एंड सजेरियस मेश सिंगा धनुराशि एक्वेस एंड लीब्रा कुमिथुन नशी यहाँ पे है वी डू हैव दैंसर पाइश एंड स्कॉर्पियो कर वृशिक और मीन राशि यहाँ पे है टोरस इंपॉर्टेंट है थ्री फोर फाइव टेन एंड फाइव फाइव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर सो आई डो थिंक सो दैट आपके जो वर्तमान परिस्थिति कुछ इस प्रकार जरूर है यहाँ पे कि बहुत बार ऐसा हो चुका है आपके लाइफ में कि गहराई से छानबीन करने के बावजूद भी आप इसमें तो फेलियर हुए हैं कि आप एक इंसान को सही तरह से समझ नहीं पाए हैं ठीक है यू कुड नॉट अंडरस्टैंड और यह आपकी जो है वो गलती नहीं है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड लाइक हर एक जो इंसान है वो अलग उसकी प्रकृति अलग उसकी सोच अलग उसकी विचार अलग तो आप क्या है ना यू हैड फॉलन इन टू द डिसेप्शन राइट आपने सोचा कुछ और, और निकला द आउटपुट जो है निकलना कुछ और आपने भरोसा किया किसी के ऊपर कि चलो उसको पैसा दे देते हैं ये तो लौट आएगा ही हंड्रेड परसेंट ये आएगा आपको इतना भरोसा था तो बिना कुछ लेते हुए भी आपने इवन सिग्नेचर भी नहीं लिया होगा तो पैसे आपने दे दिया क्योंकि आपके जान पहचान के हैं तो वो फिर फिर फोन को स्विच ऑफ कर देना आंसर नहीं करना इस तरह से आपके साथ किया बाकी लोगों का कॉल्स शायद आंसर कर रहे हैं आपका नहीं क्योंकि आपको उसको रिटर्न करवाना है कहीं ना कहीं पर कुछ लोगों के लिए आप जो है हस्बैंड वाइफ है अच्छे खासे दिन ही चल रहे हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है मतलब एक खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उसके हिसाब से इनकम उतना ज़्यादा नहीं है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा इरीटेशन हो जाता है आपको एंड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का भी चांसेस कुछ लोगों के लिए कम है यहाँ पे यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब बेसिकली फॉर यंग पीपल ओवर हियर एंड यंग लर्नर्स आपको ऐसा लगता है कि नहीं एक बार गवर्नमेंट जॉब हो जाए फिर सेटल हो जाएंगे फिर शादी वादी हो जाएगा फिर उसके बावजूद भी ठीक है आपको ऐसा लगता है पता नहीं क्या मैं हम तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं आई डोंट नो वेदर आई विल crack द competition ऑन नॉट इस तरह का दुविधा है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्टडीज आप कर रहे हो यू आर नोइंग ईच एंड एवरी सेंटेंस लाइक ऐसा कुछ पन्ना नहीं है मतलब कि आप उसके ऊपर ऐसा मतलब आपकी नज़र नहीं जा रही है यू आर रीडिंग ईच एंड एवरी स्टेटमेंट यू आर डूइंग यूर लेवल बेस्ट आप पूरी तरह से रेफरेंस बुक्स भी देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे मे बी यंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग है जो आप इवन सीखते हैं इवन लोगों को सिखाते भी हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ऑफिशियल चैनल्स भी हैं जहाँ पे आप लोग कुछ लोगों को दिखाते हो बनाते हुए यू मे ओ न म्यूजिक चैनल और क्राफ्ट चैनल एनीथिंग आपके हाथों से बनता हुआ काम बहुत अच्छा है मे बी योर अ डांसर मे बी योर सिंगर ओके मे बी यू हैव यू आर अ स्परिचुअल पर्सन मे बी यू आर अ हीलर जो भी है साइकिक आप हो सकते हैं आपका अल्टीमेट गोल जो है यहाँ पे मुझे दिख रहा है टू लीव अ वेल सेटल लाइफ हो सकता है कुछ लोग बाहर गए हैं आउट ऑफ द स्टेट गए होंगे या आउट ऑफ द कंट्री वहाँ पे सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है असंतुष्ट हो रहे हो आप क्योंकि आसपास के लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या आपने जिनको काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट में बहुत कुछ दे दिया था उसने जो है आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं आपने अगर किसी को गिफ्ट दिया है तो शायद आप उनके उस ग्रुप में एक्सेप्ट होने के लिए आपने दिया था प्यार से भी दिया है आपने तभी भी जैसे वो लोग आपको जैसे बाहर के लोग ही समझ रहे हैं दे आर नॉट हेल्पिंग यू दे आर नॉट विलिंग ओके टू एक्सेप्ट यू इन देयर ग्रुप ग्रुपिज्म तो है ही यहाँ पे लेकिन बहुत हद तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि धीरे धीरे आप भी कोशिश कर रहे हैं यू आर ऑल्सो लाइक यू नो विथ स्टैंडिंग इट आप कहीं ना कहीं पे आपको पसंद नहीं है कि आप वहाँ से छोड़ के चले जाओ ऐसा कतई नहीं करेंगे नाउ लेट मी सी विद इन द नेक्स्ट सेवन डेज ऐसा क्या हो सकता है जो इससे पहले नहीं हुआ है एंड द मैसेजेज वट यू कैन ऑल्सो रिसीव so within the next 7 days what is going to happen for sure what is going to happen for sure within the next 7 days for my viewers hmm i love this basically dekho maine jo kaha tha wo yahan pe hai main aapko explain kar dungi yahan pe hai the star card okay okay some of you are storyteller मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप बहुत ज्यादा comedy jokes Yeah, उस फील्ड uh, में इंटरेस्टेड है जहां पे आप लोगों को एंटरटेन करते करते हील भी कर सकते हैं ओके द हॉर्स बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द फोटोग्राफ्स एंड द बैक ड्रॉ ओके यहां से भी देखेंगे हम विद इन द नेक्स्ट सेवन डेज अगले सात दिनों में ऐसा बिल्कुल क्या होने वाला है क्या हो सकता है विद इन द नेक्स्ट सेवन डेज

रिगार्डिंग मनी मैटर्स चाहे वो सेविंग का हो ज़्यादा सेव नहीं कर पा रहे हो खर्चा ज़्यादा हो रहा है या एक्सपेंसेस एकदम पीक में हो चुका है बच्चे का एजुकेशन फैमिली का मेडिकल ठीक है हेल्थ एक्सपेंसेस रोज का रूटीन का खर्चा ड्यू टू इन्फ्लेशन यू आर नॉट एबल टू लाइक कंट्रोल इतना इन्फ्लेशन हो रहा है सबको पता है ठीक है इन द करेंट सिचुएशन तो है ही बट आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको मुझे दिख रहा है कि विद इन द नेक्स्ट सेवन डेज यू आर गोइंग टू ओके पुट फॉरवर्ड कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को उस जगह पे रखने वाले होंगे कि जहां पे आपकी नज़र जो है पर्टिकुलरली उस टारगेट पर होगा कि किस तरह से आप अचीवमेंट कर पाए ठीक है आपका फोकस काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और यहाँ पे क्या है मुझे दिख रहा है आपको जो काम दिया गया है ठीक है आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो कैपेसिटी है जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ रहा है इससे क्या होगा ना सिर्फ पैसे का ही सुख नहीं क्या ना कह पे मेंटल हैप्पीनेस भी आपको मिलेगा कुछ लोगों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोगों के लिए एक्सपेंसिस या सब लोगों के लिए फाइनेंशियल मैटर्स प्रॉब्लम है कुछ लोगों के लिए है फाइनेंस आपके पास ठीक है खर्चा भी आप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा ढेर सारा खर्चा हो सकता है ऑन द डेकोरेशन ऑफ योर होम रिनोवेशन ऑफ योर होम ठीक है कुछ फैंसी प्रोडक्ट्स भी आप ख़रीद सकते हो कुछ अप्लाइंसिस कुछ गैजेट्स हो सकता है विद इन द नेक्स्ट सेवन डेज आप प्लान करो कि नहीं आपको चाहिए अगर वो आपके हाथ में आ जाए तो आपके लिए आपके पास वो टूल्स ऑलरेडी है ठीक है आपके पास है कुछ चीज़ें बाकी वो अगर आ जाता है तो फुलफिलमेंट हो जाएगा मतलब क्या है ना सपोज फॉर एग्जाम्पल यू नीड अ लैपटॉप यू यू हैव ऑलरेडी वन लैपटॉप एंड यू नीड वन मोर लैपटॉप ठीक है क्योंकि आपको अपना जो है बिजनेस के लिए आपको देखना पड़ रहा है तो आपको दूसरा चाहिए हो सकता है कि दूसरे के लिए आप प्लानिंग भी कर लें यू ऑलरेडी हैव अ किड ठीक है हो सकता है कि आप दूसरे बच्चे का भी प्लानिंग करें उस तरह से भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है लाइक यू नो यूल लाइक डिसीशंस डिटर्माइंड डेस्टनी आप कहीं ना कहीं पे आप ऐसा फैसले ले लेंगे आप दोनों में ऐसा हिचकिचाहट कर रहे थे हेजिटेशन था कि चलो वो करे या ये करे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जगह पे जाने से आपको वो हेल्प मिलेगा मे बी यू हैब बिन यू कैन से दैट लाइक फीलिंग लाइक ओ नो वाट आई शुड डू मुझे क्या करना चाहिए पता नहीं कोई मुझे एडवाइस भी नहीं दे रहे हैं कुछ मुझे हेल्प भी नहीं मिल रहा है सो हो विद इन द नेक्स्ट सेवन डेज यू विल गो टू अ प्रॉपर पर्सन ठीक है जो आपको हेल्प कर पाए ठीक है और आप उसके लिए ना ग्रेटिट्यूड ज़रूर अदा करना क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे कोऑपरेट करेंगे जो आपको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था एनी फ्रेंड एनी कलीग हो सकता है कि वो आपको सेटल होने में मदद करे ऐसा भी दिख रहा है मे बी एनी पर्सन फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट हो सकता है कि आपको किराए का मकान नहीं मिल रहा था आप नए जगह पे गए होंगे तो आपको वहाँ पे पूरी तरह से पता चल जाएगा और वो भी आपको हेल्प कर देंगे कि इस जगह पे जाने से आपको मिल जाएगा वो चीज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल आई डू फाइंड कि आपको जो है प्रोग्रेस मिलेगा कहाँ पे कि आप जो भी सोच रहे होंगे सोचने से क्या होता है सोचने से कुछ नहीं होगा सोचना और फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करना यहाँ पे तेज़ रफ्तार से आपका सोचना भी और जो प्रिमोनिशंस है वो भी मिल जाना सपने में और वो भी फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको पहले से ही आप देख पाएंगे एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो वर्ड की आई डो थिंक सो दैट पीपल आर गोइंग टू यू कैन से दैट लव यू फॉर हु यू आर क्या आप है चाहे आपके पास उतना हो सता है कि आप उतना आपका जो अपेयरेंस है उतना फ्लैशी नहीं है ठीक है एंड यू फील दैट ओके आई एम नॉट दैट मच गुड लुकिंग बट आई हैव माई इनर ब्यूटी वो लोग सिंसियरली ठीक है अप्रिशिएट करेंगे फॉर हुए चाहे आप कोई भी हो विद इन द नेक्स्ट सेवन डेज आपको आपके पास याद आ सकते हैं स्पेशली मेमरीज मतलब हो सकता है कि आपके जो जहाँ पे मामा का घर है वहाँ पे बचपन में जो भी हुआ था आपके कजिन्स के साथ खेलना खाना एक साथ ठीक है उस तरह की यादें आपको आ सकती है या अपना देश का याद आ सकता है हो सकता है बाहर देश के हो और आउट ऑफ स्टेट हो तो हो क्या है कि आप रिटर्न भी करें मतलब आपके घर में वापस आए ठीक है अपने कीमती वक्त जो है कहीं ना कहीं पर सबका साथ आप बिताए उस तरह से है क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है मे बी यू आर सो मच बिजी इन योर डेली वर्क आप ऑब्सेस्ड भी रहेंगे ठीक है कुछ पार्टी वार्टी करने के लिए भी एंड आई कैन सी लाइक कुछ लोग ओवर नाइट पार्टीज में भी इंडल्ज होंगे यहाँ पे सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना कि यू शुड नॉट बी लाइक यू नो टू मच एडिक्टेड टू थिंग्स कुछ लोगों के लिए नेटवर्क आपका ग्रो करेगा जहाँ पे देखेंगे कि सीनियर एम्प्लॉयज कोई और इंडस्ट्री से ठीक है बहुत सारे लोगों के साथ इंटर कनेक्टिविटी होना शुरू हो जाएगा सो दिस इज़ ऑल एंड विद इन द नेक्स्ट सेवन डेज में भी अगर आप ऑलरेडी अपने काम के जगह पे है ज़्यादा एडेड लोडेड रिस्पॉन्सबिलिटीज आ सकते हैं बट ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग वहाँ पे एबसेंट रहे और उनका काम भी आपको करना पड़े बट आप ज़रूर करना क्योंकि एक तो है कि आप ऑबियसली नोटिस में आएंगे एंड दूसरा है क्या कि आप उन लोगों के काम कर रहे हैं तो आप कहीं कही ना कहीं पे जब आपका भी समय होगा लीव लेने का सो पीपल विल एक्चुअली कोऑपरेट विद यू इट इज़ लाइक दैट वेन एवर यू डू समथिंग यू विल गेट इट एक्सपेक्टेशन नहीं है बट डेफिनेटली आपको मिलेगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडे इज रीडिंग आइज आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी लव य लॉड टेक केयर ऑफ़ यर सेल्फ एंड